नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत भारत को स्विस बैंकों में नागरिकों की जमा रकम के ब्यौरे की पहली सूची मिली। राज्य सरकार बाढ़ के कारण कृषि, सड़क और घरों को हुए नुकसान का कराएगी आकलन। और असत्य पर सत्य तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने के बाद इसे दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद वहां एक भी गोली नहीं चलाई गई है और न ही किसी की मौत हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग ही सीमा पार आतंकवाद का मूल कारण है। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह राष्ट्र की सुरक्षा और सुशासन के लिए आवश्यक था। उन्होंने कहा कि एनआरसी को एक संवैधानिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम के ब्यौरे की पहली सूची भारत को मिल गई है। दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत यह जानकारी मिली है। इसे विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने बताया कि भारत उन 75 देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने वैश्विक मानकों के अनुसार वित्तीय खातों की जानकारी देना स्वीकार किया है। आयकर रिटर्न का ऑनलाइन आकलन करने के लिए ई आकलन केंद्र काम करने लगे हैं। नई व्यवस्था में आयकर के नियमित आकलन के लिए करदाताओं को अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं होगी। आयकर दाताओं की समस्याओं का समाधान पंजीकृत ईमेल और वेब पोर्टल के जरिए किया जाएगा। साथ ही इस संबंध में सभी सूचनाएं करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएंगी। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र और क्षेत्रीय ई आकलन केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह करदाताओं की शिकायतों के निपटारे की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। गंगा, पुनपुन, महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 15 जिलों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन यह अब भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। पुनपुन के उफान के कारण पटना सदर, पुनपुन, धनरुआ, पालीगंज, संपतचक और फुलवारी शरीफ प्रखंड की 25 पंचायतों के 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में बाढ़ से 15 जिलों के 95 प्रखंडों के 1400 से अधिक गांव की लगभग 21 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। पूरे प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक कम से कम 97 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी कम होने के बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। कई इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है। राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के कुछ हिस्सों के साथ ही गर्दनीबाग, सरिस्ताबाद, खेमनीचक और दानापुर के कुछ इलाकों में अब भी जल जमाव है। पानी सड़ने के कारण इन इलाकों में लोग जल जनित संक्रामक बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बाढ़ से प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों से इन बीमारियों के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। पटना के साथ साथ सीवान, गया, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार, नवादा और नालंदा जिले में सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। पटना के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के 1000 से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं। पीएमसीएच अस्पताल में हर दिन लगभग 100 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी सैकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य सरकार बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों, घरों और कृषि के नुकसान का आकलन कराएगी। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि चालू सीजन में दो बार आई बाढ़, भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में इनको कितना नुकसान हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार के तहत बनाए गए शौचालयों की भी जानकारी ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 माह में आई बाढ़ और बारिश के कारण लगभग 15 से अधिक जिलों में काफी नुकसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
विजयादशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयादशमी पर रावण का वध किया था। इसके प्रतीक स्वरूप विभिन्न भागों में आज शाम रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ सम्पन्न होगा। देश भर में इस अवसर पर विशेष आयोजन में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 4 बजे से पुतला दहन कार्यक्रम शुरू होगा। इसको लेकर गांधी मैदान में पहुंचने वाली भीड़ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। गांधी मैदान में प्रवेश के लिए दोपहर 1 बजे सभी गेट खोल दिए जाएंगे। गांधी मैदान में निगरानी के लिए वाच टावर लगाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसके माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पीएमसीएच समेत पटना के विभिन्न अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। अग्निशमन विभाग सहित अन्य एजेंसियों को भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पुतला दहन और मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही आज दुर्गा पूजा के 3 दिवसीय महाअनुष्ठान और 9 दिवसीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा। घरों और पूजा पंडालों में 9 दिनों से स्थापित कलश का आज ही विसर्जन होगा। आज सुबह से माँ दुर्गा की मूर्तियों और कलश के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है जो देर रात तक चलेगा। इस वर्ष गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। इसके लिए गंगा घाटों पर अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद गंगा में मूर्ति विसर्जन नहीं करने का फैसला लिया गया। जो लोग प्रशासन के आदेश के विपरीत गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन का प्रयास करेंगे उन पर FIR दर्ज होगी। साथ ही 50,000 रूपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। CBSE के हाईस्कूल के छात्र अब गणित में 2 अलग अलग विषयों में से एक का चुनाव कर परीक्षा दे सकेंगे। वर्ष 2020 से CBSE 10वीं बोर्ड में बेसिक और स्टैंडर्ड गणित की 2 परीक्षा लेगी। इसके लिए छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरते समय ही बेसिक और स्टैंडर्ड गणित में से एक को विषय के रूप में चुनना होगा। जो छात्र 10वीं में बेसिक गणित का विषय चुनेंगे वे 11वीं में गणित विषय नहीं ले सकेंगे। उन्हें गणित विषय की परीक्षा देने के लिए फिर से कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होना होगा। यह जानकारी देते हुए CBSE के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि इस फैसले से गणित में कमजोर छात्रों को काफी लाभ होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत भारत को स्विस बैंकों में नागरिकों की जमा रकम के ब्यौरे की पहली सूची मिली। राज्य सरकार बाढ़ के कारण कृषि, सड़क और घरों को हुए नुकसान का कराएगी आकलन। और असत्य पर सत्य तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।